हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में आज हम करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल्स और कोंग्रेंट ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कोंग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, इनका यूज कहां पे करते हैं, तो नाइन्थ क्लास में स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होने वाले हैं इनके। सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब होता है दो ट्रायंगल जिसकी शेप सेम हो और साइज डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल होगी तभी वो इसके सिमिलर हो सकती है और उसकी भी कंडीशन है ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके तीनों इक्वल हो, या कोई डिफरेंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, कुछ भी है, आइसोसेल्स है, ये इक्वल एंगल है, ये इक्वल एंगल है, ये इक्वल एंगल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि सिमिलर ट्रायंगल्स होती क्या हैं, उनका यूज कहाँ पे करते हैं, क्या कैसे हम प्रूव करेंगे कि वो सिमिलर ट्रायंगल है, तो आओ डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। पहली बात तो सिमिलर ट्रायंगल होती क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर ले लिया आपने, जैसे उन दोनों ट्रायंगल्स के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों, एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे अगर वो सिमिलर ट्रायंगल हैं, और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर। ये होता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे आपका एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, ये आपको पता है, तो यहां से आपको पता करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी। जैसे आपने ए बी ले लिया, ए बी साइड ले ली, एसी साइड ले ली, बीसी साइड ले ली, इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपने ऊपर रख दी, नीचे क्या रखेंगे, दूसरी ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर ट्रायंगल की साइड्स, तो एबी के नीचे कौन सी होगी, एसी के नीचे, बीसी के नीचे, मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो कैसे हम पहचानेंगे। जैसे एबी है, एबी है तो ए जो एंगल है वो किसके इक्वल है, पी के, तो ए की जगह पी हो गया, बी एंगल है क्यू के तो क्यू हो गया, बी किस गए, ए सी है तो ए सी साइड में जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल, और सी है वो आर के, तो ए सी हो जाएगी पी आर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसी प्रकार बी सी, बी सी में एंगल बी है वो क्यू के इक्वल है, सी है वो आर के इक्वल, तो बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी क्यू आर। तो इस प्रकार जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। हम इनको प्रूव कैसे करें कि ये जरूरत नहीं है कि आप तीनों एंगल इक्वल दिखाएं, आपने दो एंगल इक्वल दिखा दिए तो वो ट्रायंगल भी क्या होगी, सिमिलर होगी। एंगल एंगल सिमिलरिटीज, ए ए का मतलब होता है यहाँ पे एंगल एंगल, मतलब कि नहीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल भी इक्वल हो गए, जैसे ए इक्वल है पी के, बी इक्वल है क्यू के, उस केस में भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। क्यों, क्योंकि जब दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड वन एंगल क्या होगा, अपने आप इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 है, इस ट्रायंगल के एंगल का सम भी 180 है, जिनमें से दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड वन क्या होगा, जैसे ये एंगल 40 है, ये 60 है, ये भी 40, ये भी 60, तो इन तीनों एंगल का सम 180 है, जिसमें से इन दोनों एंगल का सम 100 हो गया, तो इस ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस 100,
80। उसी प्रकार इन दोनों एंगल का सम 100 है, तीनों एंगल का सम 180 है, 180 में से इन दोनों एंगल को सम का सम जो है सब्ट्रैक्टिंग कितना आएगा 180। इट मीन्स एंगल अगर दो ट्रेंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड वन एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। सेकंड वन है ट्रिपल एस सिमिलरिटीज, इसका मतलब है एस का मतलब यहां पे साइड, तीनों साइड्स का रेशियो सिमिलर रेशियो इक्वल है तो एस 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 सिमिलरिटीज से दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगी। जैसे कोई भी आपकी दो ट्रायंगल ले लिया आपने ए बी सी पी क्यू आर, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5, 5, 6, 7 इनकी लेंथ दे रखी है, तो ए बी अपॉन पी क्यू देखा आपने कितना है भाई, ए बी की वैल्यू है 2.5, पी की पी क्यू की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 1/2। बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी की वैल्यू 3 है, क्यू आर की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार ए सी अपॉन पी आर 3.5 डिवाइड में 7, पॉइंट डेटा है 0, 35 टू जा 70, तो ये भी कितना गया 1/2। इट मीन्स सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है दोनों ट्रेंगल में वो 1/2 के इक्वल है। इट मीन्स तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्रिपल सिमिलरिटीज, बोथ ट्रेंगल आर सिमिलर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। थर्ड वन है एस ए एस सिमिलरिटीज, ये क्या होता है एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड, ध्यान रखना है जैसे लिखा गया वैसे ही, साइड एंगल साइड मतलब दो ट्रायंगल हैं, कोई भी नाम दे दें इनको, जे के एल आर एस टी, जे के साइड जैसे दे रखा है 2.5 और ये 3, ये 5 और ये 6, ये एंगल इक्वल दे रखा है, तभी जाके ये लॉजिक अप्लाई होगा एस ए एस। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एस ए एस का मतलब है पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, मतलब जो ये एंगल है ना ये किन के बीच में, इन दो साइड्स के बीच में, तो यहाँ पे दो साइड ये दे रखी हैं, तो जो एंगल होगा इन्हीं साइड के बीच हो, दो साइड दे रखी हैं तो एंगल होगा वो इन्हीं दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। अब इन दोनों साइड्स का रेशियो देखो, जे के अपॉन आर एस कितना हो गया 2.5 डिवाइड में 5, ये भी 1/2 हो जाएगा। के एल अपॉन एस टी 3/6, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। इट मीन्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और थर्ड वन एंगल इक्वल है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल और एक एंगल इक्वल, और एंगल जो इक्वल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। तो एस ए एस सिमिलरिटीज से भी उस ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखा सकते हैं। सिमिलर का मीनिंग होता है कि दोनों ट्रायंगल्स की शेप एक जैसी है, साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज भी इक्वल हो तब भी वो सिमिलर ही होगी। उसके हम बारे में डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि शेप और साइज का मतलब क्या है। यहाँ पे इनका यूज कहाँ पे करेंगे वो भी देखें। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं आपकी ए बी सी पी क्यू आर, और वो किस तरीके से हुई हैं, साइड वाले रेशियो से,
प्रॉपर्टीज ये हुई हैं, तीनों साइड्स का रेशो 1/2, 1/2, 1/2, तीनों कोसाइन साइड्स का रेशो इक्वल है तो सिमिलर हो जाएंगी। तो उस केस में आपको दिखाना है कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ये क्यों होंगे? क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये सिमिलर का साइन होता है भाई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल ए है वो पी के इक्वल होगा, बी है वो क्यू के, सी है वो आर के। अब यहाँ पे देखो कि आपने किस बेस के ऊपर कहा कि एंगल ए है वो पी के इक्वल होगा, क्यू के इक्वल क्यों नहीं? तो देखो जो एंगल ए, ए वर्टेक्स है ना, ये किन दो साइड के इंटरसेक्शन पॉइंट है, 1 और 1.6, और यहाँ पे रेशियो लिया था 1 का किसके साथ लिया था, 1/2, और इसका रेशियो 1.6/3.2, ये भी 1/2। इन दो साइड्स का रेशियो लिया है तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच से काटने से जो वर्टेक्स मिला है वहीं यहाँ पे इन दोनों लाइन के जो काटने से मिला है पी, तो एंगल ए पी के इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल होगा क्यू के, ये 1 और 1.5, ये दोनों लाइन को कट किया है तो 1 की कोरस्पोंडिंग साइड 2 है, 1.5 की 3, तो इन दोनों को क्यू पर कट करते हैं ये दोनों, तो बी का कोरस्पोंडिंग एंगल क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार सी का कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर हो जाएगा। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दिखाने होंगे और कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगी सिमिलर हैं तो एक दो साइड फाइंड आउट करनी होगी, तो आप उसी फॉर्मूले से निकालेंगे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं हम कोंग्रेंट ट्रायंगल्स की। कोंग्रेंट ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल की शेप भी एक जैसी होती है और साइज भी एक जैसी होती है। दो ट्रायंगल्स या दो कोई भी फिगर हैं वो कोंग्रेंट कब होंगे, जब एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल के ऊपर रख दें और वो उसको कंप्लीट कवर कर ले, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हैं। हम बात कर रहे थे सिमिलर के बारे में भी, ये जैसे सर्कल है, सभी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सभी सर्कल हैं वो सिमिलर होते हैं। ये सर्कल कोंग्रेंट कब होंगे, जब इनकी साइज भी इक्वल हो। इसका मतलब दोनों की रेडियस अगर इक्वल हो जाएगी तो वो कोंग्रेंट होंगे, अदरवाइज सभी सर्कल्स सिमिलर होते हैं। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60-60 के होते हैं, तो सभी एंगल इक्वल हो गए तो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, सिमिलर। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल कोंग्रेंट कब होगी, जब इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो तब ये कोंग्रेंट हो जाएगी, मतलब उनकी साइज भी इक्वल हो जाएगी। तो सिमिलर में तो शेप सेम होनी चाहिए थी, लेकिन कोंग्रेंट में शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे दो ट्रायंगल हैं आपकी ए बी सी पी क्यू आर, ये ट्रायंगल कोंग्रेंट हैं, ये तो सिमिलर का साइन था, इसके नीचे इक्वल लगा दिया तो इसका मतलब ये कोंग्रेंट का साइन हो गया। जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट हैं तो इसका मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू आर, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा और एंगल सी आर के इक्वल होगा। हम सिमिलर ट्रायंगल्स में ही बात कर रहे थे कि तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन कोंग्रेंट में क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल है पी क्यू, ए सी इक्वल है पी आर, बी सी इक्वल है क्यू आर। अब कोरस्पोंडिंग साइड्स कैसे पहचानेंगे, जैसे एंगल ए की अपोजिट साइड है बी सी, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, तो इसके अपोजिट साइड है क्यू आर,
तो BC की कोरस्पोंडिंग साइड हो जाएगी QR। एंगल B की अपोजिट साइड है AC, एंगल B किसके इक्वल है एंगल Q के, Q की अपोजिट साइड है PR, तो AC इक्वल होगा PR। इसी प्रकार एंगल C की अपोजिट साइड है AB, एंगल C इक्वल है R के, एंगल R की अपोजिट साइड है PQ, तो AB PQ के इक्वल होगा। ये इनकी कोरस्पोंडिंग साइड है, ये इक्वल होती हैं। इनकी प्रॉपर्टी ट्रिपल एस कोहेरेंसी, एसएस कोहेरेंसी, एएसए कोहेरेंसी, एएस कोहेरेंसी, आरएस ट्रिपल एस कोहेरेंसी का मतलब है जब दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल हो, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के, तीनों साइड इक्वल होगी तो इसका मतलब ये ट्रिपल एस कोहेरेंसी से दोनों ट्रायंगल कोहेरेंट हैं। या फिर दे दें एस एस, दो साइड इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के, और ये एंगल एंगल है वो बीच में ही होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में ही एंगल हो, बाहर एंगल होगा तो वो नहीं चलेगा, वो हम बताएंगे क्यों नहीं चलेगा, उसका कारण भी देंगे। जैसे नोट कर लें एस एस ए बाहर एंगल है, क्यों नहीं होगा। ए ए एस, ये जो एक साइड इक्वल है वो दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए, ये यहाँ पे जरूर नहीं है, क्यों, क्योंकि जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड वन एंगल क्या है, अपने आप इक्वल होगा, थर्ड वन एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो वहां से ये प्रॉपर्टी बन जाएगी एंगल साइड एंगल। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो राइट एंगल हो, दोनों में राइट एंगल इक्वल है, एक हाइपोटेन्यूस और एक कोई भी, ये इन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो इस केस में ये इसको हम आरएचएस कोहेरेंसी बोलेंगे। एक तो राइट एंगल इक्वल हो, एक हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या होता है राइट एंगल की अपोजिट साइड, और एक अदर टू साइड्स में से कोई भी एक साइड इक्वल है, तो इसको आरएचएस कोहेरेंसी बोलेंगे। ये है आपके कोंग्रेंट ट्रायंगल को प्रूव करने की प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है एंगल एक इक्वल होगा तो एंगल दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए, तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आप बात कर रहे थे साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, ये प्रॉपर्टीज क्यों नहीं हो सकती। आपने एक ट्रायंगल ले लिया कि इसमें एंगल्स रखा है, दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, अभी ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इक्वल दे रखी है, थर्ड वन साइड है वो भी इक्वल है, एंगल की साइड ये होगी पी, ये साइड इक्वल दे रखी है, तो यहां से आप साइड लेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर है, यहां से 5 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया रखा, वो इसको दो जगह पे कट कर रही है इस एंगल्स को, इट मींस इस केस में आपको दो ट्रायंगल मिल रही हैं टू टाइप्स की, ये इनको नाम दीजिए आप ए बी सी पी कोई भी, तो एक तो ए बी सी ट्रायंगल ले लें, यहाँ पे ए बी सी होगी, एक यहाँ पे थोड़ा सा यूं है पी बी सी, देखो ये एंगल दोनों में इक्वल है, दोनों में इक्वल है ना, दोनों में ये साइड भी इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है, क्यों इक्वल है,
क्योंकि ये जो सी से आपने आर्क ड्रॉ की है, इस लाइन को दो जगह पे कट करेगी। इट मीन्स आपको टू टाइप्स की ट्रायंगल मिल रही है, ये ए बी सी और एक पी बी सी। इस केस में ये एंगल इक्वल नहीं हो सकते, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू पी। ये थर्ड एंगल इक्वल नहीं हो सकता और वैसे ये एंगल भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब एंगल्स इक्वल नहीं, कॉरेस्पोंडिंग एंगल, तो वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे ए एस एस और एस एस ए प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगी। एक एंगल इक्वल हो तो वो एंगल दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए। तो तीन चीज इक्वल होनी चाहिए कोंग्रेंट ट्रायंगल के लिए, और तीनों में कम से कम एक साइड दो डेफिनेटली ही इक्वल हो। हाँ, एक एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो वो एंगल बीच में ही होना चाहिए। दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो वो बीच में हो या न हो वो चलेगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड वन एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को पहले यूज किया है 8th क्लास में भी आपने, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब होती क्या है, ये कैसे बनती हैं। इस प्रकार हम इससे रिलेटेड अगली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और इनको अच्छे से करें। पहले इनका बेसिक्स क्लियर करें, फिर इन्हीं को हम आगे जोड़ के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए थैंक।